भाई ये देखो, ये रहा तेल और ये रहा मटन और एकदम एक नंबर मस्त बना है ये देखो। और ये जो है ना हरा मिर्च से बना है, लाल मिर्च नहीं पड़ा इसके अंदर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी ये दोपहर के 1 बज रहा है और मनीषा बहन देखिए यहाँ पे एकदम रेडी हो चुकी। कहाँ जा रही है? एक मेरी फ्रेंड है, फिर दोस्त उसी के यहाँ सेवई खाने जाना है। आज बकरीद है ना, तो दोस्तों आप सभी को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी तो ये निकल रही है, हम प्रेम बाबू ले जाएंगे बाइक से छोड़ने। देखिए यहाँ हमारा बाइक खड़ा है, प्रेम बाबू ले जा रहे हैं बाइक से छोड़ने। प्रेम बाबू ले जाएंगे ना? हाँ, प्रेम ले जाएगा। वो बाइक चलाना सीख गए, पहले गोविंद बाबू थे तो गोविंद बाबू लेके जाते थे इनको, अभी प्रेम बाबू लेके जा रहे हैं। तो जाइए अब, ठीक है? लाडो तुम भी जाओगी? बाय बोलो लाडो। बाय लाडो, बुआ के साथ तुम भी जाओ। बाय बुआ के, जाने दो जाने दो। देखिए नहीं आ रही है मेरे गोद में, आओ जाओ बेटा। देखिए दोस्तों नहीं आ रही है, देखिए मम्मी के पास नहीं आ रही, बुआ से इतना प्यार करती है ये। आओ मनीषा बहन तो चली गई बकरीद में और प्रेम बाबू ले गए छोड़ने के लिए उनको। सुबह में थोड़ा सा बारिश आया था, उसके बाद बंद हो गया था। लाडो को सोफे पे कैसे खड़े होके खेल रही है, इसकी बुआ चली गई है तो नाराज हो गई है। लाडो देखिए कैसे खड़ी होकर खेल रही है। लाडो बाय बाय बेटा बाय, देखिए बाय कर रही है, बाय कर रहा है तो बाय कर रही है। दोस्तों मनीषा बहन जब भी कहीं चली जाती है तो लाडो हमको परेशान करती है, नहीं लाडो क्योंकि ये उनके पास ही ज्यादा रहती है। मेरे पास हम काम वाम करते हैं, मनीषा बहन उसको लेके ली रहती है। तो दोस्तों आज सुबह के खाने में हम कढ़ी और चावल और रोटी बनाए थे, तो चलें अपने हस्बैंड जी को खाना देने। तो दोस्तों देखिए अपने हस्बैंड के लिए खाना निकालने, चावल है, कढ़ी है, साथ में पानी है और साथ में लाडो को लिए हैं, तो अभी चल रहे हैं उनको हम खाना खिलाने। तो दोस्तों ये अपने हस्बैंड के लिए खाना लेके चल रहे हैं और देखिए यहाँ पर ये स्टूडियो में सेटअप, और यहाँ देखिए ये काम कर रहा है, शेयर मार्केट का काम कर रहा है। तो दोस्तों सुबह के कपड़ा धुल कर रखे थे और इसको अभी तक हम धूप में नहीं सुखाए थे। देखिए यहाँ पे जितना कपड़ा है सारा बाल्टी में लिए हैं और चल रहे हैं ऊपर इसको डालने रिंगने पर। प्रेम बाबू लिए हैं लाडो को खिला रहे, क्योंकि मनीषा बहन चली गई है ना, इसलिए प्रेम बाबू को दे दिए हैं। अभी हम छत पे चल रहे हैं कपड़ा लेकर के बाल्टी में, इसी पे सब हम सुखा लेते हैं कपड़ा। बाहर धूप नहीं हुआ इसकी वजह से यहाँ बाहर नहीं डाल रहे हैं और इसी पे सारा कपड़ा डालेंगे हम अपना। तो दोस्तों सारा कपड़ा तो हम डाल चुके हैं, देखिए आप लोग पीछे सारा कपड़ा डाल दिए हैं। अभी हम चल रहे हैं नीचे। दोस्तों इस रूम में आया है तो इस रूम में इस पे चादर उधर नहीं था, तो चल रहे हैं सारा इसको फोल्ड करेंगे इस बिस्तर को, उसके बाद इस पे चादर बिछाएंगे। तो दोस्तों ऊपर आए थे, ऊपर के रूम में चादर उधर पूरा बिखरा पड़ा हुआ था, तो चादर फाइनली देखिए हम बिस्तर पर लगा दिए। जितना सारा लेवा था फोल्ड करने के लिए, वो लेवा सारा यहाँ पे हम चपेट करके इसको अच्छे से फोल्ड करके यहाँ रख दिए हैं। और बाकी बिस्तर भी सारा देखिए लगा दिए हैं, पूरा वहाँ से चादर बिछाए हैं और तकिया वगैरह सब लगा दिए हैं, ताकि इस पे भी कोई आता है तो कोई सोता है, इसलिए पूरा बिस्तर ऊपर भी लगा रहता है। और अभी हम चल रहे हैं नीचे, क्योंकि लाडो बहुत ज्यादा रो रही है, वो सोने के लिए बहुत परेशान है। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं नीचे। हस्बैंड जी हमारे मार्केट से कुछ गए हैं सामान लाने, तेल आलू प्याज और आटा वगैरह नहीं था कुछ, तो लाने गए हम। तो दोस्तों ये देखिए जो हस्बैंड जी से बोले थे कुछ सामान लाने के लिए, तो ये 1 किलो नमक लाए हैं, 2 किलो आलू है, 2 किलो प्याज है, 2 लीटर सरसों का तेल है, बैल कोलू है और 2 सोयाबीन है और 5 किलो आटा लाए थे जो कि अभी हम इसमें रख दिए हैं, देखिए यहाँ भर दिए। और अभी हम चल रहे हैं दोस्तों रोटी बनाने, क्योंकि आटा गूंथ के रख दिए पहले से ही। यहाँ देखिए हम आटा गूंथ लिए, हमारा रोटी बन चुका है और यहाँ पे हम चावल जो बनाए थे इसमें रखे हैं, देखिए कितना भी भाप निकल रहा है इसमें से। तो दोस्तों जा रहे हैं फाइनली प्याज कट करने, देखिए इतना सारा प्याज है और अभी हम कट कर रहे हैं। बहुत लोग चाकू से भी काटते हैं, इसको पौंसुल भी बोलते हैं, हंसुआ भी बोलते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा चाकू से काटते हैं इसको, लेकिन हमारे तरफ इसे काटा जाता है। वो माँ होके चली है, चलते चलते जाके वहाँ बैग से गिर गई है, देखिए। आओ लाडो ये लो, ये चाहिए तो ले लो। देखिए दोस्तों प्याज फेंके, अभी आएगी खुद, देखिए चल कर कैसे आ रही है, देखिए कैसे आ रही है चलते। ले लो, आओ ले लो, ये भी लो, देखिए कैसे डगरा है, और वो देखिए कैसे दिख रही है, लो ले लो। देखिए प्याज को आके पकड़ी ली है खीर भी, एक ठो प्याज हाथ में पकड़ी हुई है और दूसरा वाला भी पकड़ेगी कि वहाँ गई अब। तो दोस्तों अभी आए हैं ऊपर और ऊपर जा रहे हैं, अभी शाम का समय है, थोड़ा सा हवा ठंडा हवा चल रहा है, सोचे हैं थोड़ा सा घूम के चले आए और आए हैं तो हमारे हस्बैंड जी ऊपर ही हैं, पता नहीं रूम में क्या ढूंढ रहे हैं, उसी टाइम से देखते हैं कहाँ हैं। ये देखिए यहाँ पर है क्या कर रहे हैं जी? सुबह से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, कहीं भी नहीं देखे, हंस रहे हैं। देखो गाड़ी में का टूट गया था, अभी देखो जुगाड़ लगा, ये स्प्रिंग था ना ये टूट गया था, तो अभी यहाँ पर देखो ये जो है स्क्रू लगा के इंडियन जुगाड़ लगा के इसको बनाया है, ये वाला LCD है जो गाड़ी के अंदर लगा। दोस्तों हम उसी टाइम से ब्लॉग बना रहे हैं, कहीं भी दिख ही नहीं रहे थे, हम सुबह से कुछ मैकेनिक वाला काम कर रहे थे, हम कह रहे क्या कर रहे हैं ऊपर, उसी टाइम से अभी को ऊपर आए, ऊपर जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए ऐसे ही,
छत पर शाम हुआ है, लगभग 6:30 हो गया है, तो जा रहे हैं, 6 बज रहा है, वो जा रहे हैं वही तो देखें ये मैकेनिक वाला काम कर। दोस्तों चल रहे हैं ऊपर, अब मनीषा बिन्नी भी आ गई थी उसी टाइम, जब गई है तो तुरंत उसके बाद 1 घंटे बाद चली आई है। ऊपर आने के बाद इतना ठंडा हवा मिल रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है, आप लोग से क्या बता, हल्का हल्का एक झीसा थोड़ा सा बारिश लग, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ देखिए बैठी है, लाडो है और मनीषा भी नहीं है, यहाँ देखिए लाडू को लेके आए छत पे खेलने के लिए, लाडू के साथ खेल रहे हैं हम और ये बाबू। जब शाम होता है ना तो मनीषा भी इसको छत पे लेके चली जाती है, क्योंकि नीचे इतना ज्यादा परेशान करती है गर्मी की वजह से, इतना ज्यादा परेशान करती है, हमको नहीं करती है, मनीषा बहनी को ही करती है ज्यादा। ज्यादा मेरे पास रहती है तो हम ही को ना परेशान करेगी, छत पे लाती है तो नीचे बैठा देते तो खेलती है पूरा, मतलब चल के पूरा छत पे खेलती है। बादल देखिए कितना काला हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा अंधेरा छाया हुआ है ऊपर की तरफ। दोस्तों चल रहे हैं अभी नीचे, और अभी हम घूम चुके हैं, मनीषा बहनी ऊपर ही हैं, तो चलते हैं। दोस्तों ये वाला दरवाजा बंद कर देते हैं जो कि इधर बाहर का रेलिंग की तरफ का है, ये दरवाजा बंद कर दे, इधर से धूल मिट्टी आता है बहुत ज्यादा। दोस्तों देखिए हमारे हस्बैंड गाड़ी में कुछ काम कर रहे हैं, जो आप लोग लाइट दिखा रहे थे ना वही लाइट का काम कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, ज्यादा नहीं दिखाई देंगे, थोड़ा सा दिखाई देंगे, देखिए यहाँ से आप लोग दिखा दें, देखिए गाड़ी से अभी बाहर आ गए, जो काम करना था कर चुके हैं और गाड़ी से अभी बाहर आ गए। दोस्तों आज ऊपर मटन नहीं बन रहा, आज नीचे ही बन रहा है, जो कि देखिए यहीं पर, क्योंकि ऊपर गैस खत्म हो गया है तो नीचे का गैस यही साइड में बन रहा है। बाकी सारा सामान हम रेडी कर दिए हैं, देखिए पूरा सारा सामान लेके चले आए हैं, गैस वैस चूल्हा है वहाँ पे, और जो प्याज हम कट किए थे ये सारा प्याज है, और बाकी थाली उधर भी है, पानी सारा ले इकट्ठा कर लिए और आसानी रहेगा ताकि बनाने में। तो दूसरी देखिए यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी कह रहे हैं हम बनाएंगे मटन, लगभग 1.5 किलो मटन है ये। तो भाई अभी रात के 7:30 हो चुके हैं, और यहाँ पर देखो हम लोग का मटन जो है वो बन के रेडी है, और ये रहा सबके थाली में चावल, और हमारे लिए तो भाई रोटी निकल रहा है, क्योंकि मैं चावल नहीं खाता हूँ रोटी खाता हूँ। भाई ये देखो ये रहा तेल और ये रहा मटन, और एकदम एक नंबर मस्त बना है ये देखो, और ये जो है ना हरा मिर्च से बना है, लाल मिर्च नहीं पड़ा इसके अंदर, और हमारे हस्बैंड जी बनाए हैं ये मटन, हम नहीं बनाए हैं, हम लाडो को खिलाने चले गए हैं क्योंकि लाडो परेशान कर रही थी। और गाइस अगर आपके मुंह में देख के पानी आ रहा है तो जल्दी जल्दी जाओ लेके आओ बना के खाओ, नहीं तो होटल में जाओ फिर। तो गाइस देखो यहाँ पर अब चलो खाने चलते हैं, देखते हैं खा के बना कैसा है। तो गाइस मटन तो एक नंबर जबरदस्त बना था, खा के एकदम मजा ही आ गया। तो चलो खैर आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।